गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में बात किया था बिजनेस और इट्स ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। सो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, प्रॉफिट का हमारे बिजनेस में क्या रोल है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा, जिसमें हम समझेंगे क्या रोल प्ले करता है हमारा प्रॉफिट जो है एक बिजनेस को रन करने के लिए, एक बिजनेस को जो है सक्सेसफुली एस्टेब्लिश करने में। व्हाट काइंड ऑफ रोल द प्रॉफिट हैज टू बी प्ले इन द बिजनेस मैन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट के बारे में, सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉफिट होता क्या। प्रॉफिट कम, अब ये देखिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने लगे हम, ठीक है, हम बिजनेस क्यों करते, व्हाई वी डू बिजनेस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये माइंड में आता है, व्हाई वी डू बिजनेस। ओके, एंड हर एक पर्सन का जो है बिजनेस स्टार्ट करने का मोटिव यही होता है कि मेरे को प्रॉफिट आता है, क्लियर है भैया, प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी ये सोचकर बिजनेस शुरू नहीं करता कि मेरे को लॉस अर्न करना है, ठीक है। हर एक पर्सन का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मेरे को प्रॉफिट अर्न करना। सो प्रॉफिट हमारे बिजनेस का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, अगर ये प्रॉफिट नहीं हुआ ना तो हमारा बिजनेस चलेगा ही नहीं, हम मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, हमारा कॉम्पिटिशन लेवल नहीं आएगा। तो प्रॉफिट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द बिजनेस। अब क्या कहते हैं, अगर हम चाहते हैं अब कि हम प्रॉफिट अर्न करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे बिजनेस के पास क्या होना चाहिए, एक तो नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज के साथ साथ उसके पास कैपेबिलिटीज, अकेली नॉलेज क्या करेगा अगर उसके पास कैपेबिलिटीज नहीं है, एफिशिएंसी लेवल भी होना चाहिए उसके पास, ठीक है, बिजनेस ट्रिक्स होनी चाहिए, बिजनेस को हैंडल कैसे करना है। अगर ये सारी चीजें हैं बिजनेस के तभी हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, अदरवाइज हमारा बिजनेस काम पे चला जाएगा, वो कंटिन्यूसली लॉसेस की तरफ ही चलता रहेगा, लॉसेस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो क्या कहते हैं, प्रॉफिट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। अब क्या रोल प्ले करता है हमारा प्रॉफिट बिजनेस में, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा वह सर्वाइवल, ओके। अब ये देखिए बिजनेस है, बिजनेस में बहुत ज्यादा हमारे पास रिस्क रहते हैं, ठीक है, रिस्क कैसे रहते हैं, कंपटीशन हमारे पास मार्केट में बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा रहती हैं, कभी नई टेक्नोलॉजी आ गई कभी कुछ आ गया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा होती है, नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, ठीक है, बॉल कैनल्स आ गए, नेचुरल कैलामिटीज हैं। तो कहते हैं अगर हमें सर्वाइवल करना है तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए हमारा प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ये सारे चीज़ों से हम कैसे फेस कर पाएंगे। हमारा बिजनेस के सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कहते हैं इन सब चीज़ों की लड़ने के लिए प्रॉफिट और सर्वाइवल करने के लिए प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। तो सेकेंड हमारा फैक्टर कौन सा रहेगा, सेकेंड हमारा जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा इंडेक्स ऑफ एफिशिएंसी। इंडेक्स ऑफ एफिशिएंसी, अब इंडेक्स ऑफ एफिशिएंसी क्या कहता है, वो कहता है हमारा बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रॉफिट्स के ऊपर, प्रॉफिट्स के ऊपर हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है। वो कैसे करती है, हायर द प्रॉफिट हायर द एफिशिएंसी,
लोअर द प्रॉफिट, लोअर द एफिशिएंसी। ठीक है, आ गया ना कंसेप्ट। हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रॉफिट्स के ऊपर। अगर प्रॉफिट्स हैं, हायर प्रॉफिट्स होंगे तो हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी हाई रहेगी। अगर हमारे पास प्रॉफिट्स हैं वो लो रहेंगे तो उसकी एफिशिएंसी भी क्या रहेगी? लो रहेगी। अब थर्ड हमारे पास रोल क्या रहेगा? गुडविल। गुडविल हमारा क्या होता है? रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। ओके, कौन सा एसेट हमारा? ये इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, तो गुडविल कहता है अब अगर हमारे पास एडिक्वेट प्रॉफिट्स होंगे तो हमारे बिजनेस की क्या गुडविल बढ़ेगी? कैसे गुडविल बढ़ेगी? अगर हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे क्या हम फंड्स रेज कर सकते हैं इजीली? हम अपने फंड जो है वो रेज कर पाएंगे इजीली, ऑब्वियस है। अगर हमारे पास प्रॉफिट बचे होंगे, अगर हमें किसी पैसे की जरूरत होगी तो हमारी मार्केट में रेपुटेशन बनी होगी, हम बैंक के पास जाएंगे तो बैंक हमें क्या करेगा? फंड इजीली जो है वो दे देगा। सेकंड में क्या होगा? टाइमली पेमेंट टू सप्लायर्स। हम सप्लायर्स को क्या करेंगे? टाइम पे पेमेंट करेंगे, जैसे हमारे सप्लायर्स खुश हो जाएंगे, हाँ यार ये तो कस्टमर हमें टाइम पे पेमेंट कर देता है। ठीक है, हमारी गुडविल बन जाएगी मार्केट में। थर्ड क्या आएगा? गुड रेमुनरेशन टू द वर्कर्स। अगर हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे हम अपने वर्कर्स को अच्छी सैलरी देंगे और हमारे वर्कर्स भी खुश होकर काम करेंगे, बाहर जाएंगे, दूसरे लोगों को भी कहेंगे यार ये कंपनी हमें जो है टाइम पे सैलरी दे देती है, कोई इश्यूज नहीं क्रिएट करती, तो इससे हमारी क्या होगा? गुडविल बनेगी। तो कहते हैं ये हमारा जो रोल है ना, ये हमारा प्रॉफिट जो है वो प्ले करता है एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, एक बिजनेस को रन करने के लिए। अगर प्रॉफिट नहीं होगा ना हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट्स रहते हैं, कोई क्वेरीज रहते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा? मेरे आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा और आप इजीली जो है आसानी से कंसेप्ट क्लैरिटी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।